29 नवंबर को अमर उजाला और दैनिक जागरण ने एक 15 साल की बच्ची का अपहरण और गैंग रेप का मामला रिपोर्ट किया। घटना यूपी के बागपत जिला की है। खबर के आने के बाद सोशल मीडिया में ये अफवाह फैलने लगी कि लड़की का रेप दो जिहादियों ने किया था। पतंजलि के राकेश ने भी ये दावा किया और बाद में इसे डिलीट कर दिया। पर सच कुछ और है। सोशल मीडिया पर झूठा मुस्लिम विरोधी दावा पेश किया गया। बागपत पुलिस ने ट्वीट करते हुए इन दावों का खंडन किया। पुलिस के बयान के मुताबिक दो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। एक का नाम है प्रशांत, पिता का नाम भरत, और दूसरे का नाम है परमजीत, पिता का नाम रविंदर। दोनों ही जीवाना ग्राम बागपत जनपद के निवासी हैं। आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अपने बयान में ये भी कहा कि कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही पीड़िता व अभियुक्तों के धर्म से संबंधित भ्रामक सूचना का बागपत पुलिस खंडन करती है। हम यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि बागपत पुलिस के SHO ने ऑल्ट न्यूज को सूचित किया कि पीड़िता अल्पसंख्यक समुदाय से है। इस बात की पुष्टि एक स्थानीय पत्रकार ने भी की। इस प्रकार एक युवती के रेप को गलत मुस्लिम विरोधी एंगल से पेश किया गया। दोनों अभियुक्त मुस्लिम समुदाय से नहीं है। धन्यवाद।